जी आप हेलो ही। हाँ जी, ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ, सर। अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए एक न्यू बिगनर के लिए। ठीक है, नंबर वन होती है जोन के अंदर होती है ट्रेडिंग जोन के अंदर। एक नो ट्रेडिंग जोन होता है, दूसरा आपका नो ट्रेडिंग जोन NTZ, इसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। एक आपका ट्रेडिंग जोन होता है, दो चीजें होती है। ठीक है, अब आपने आप चाहे वर्ल्ड में किसी भी मेथड पे किसी भी चीज पे आप काम करो उससे कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन आप एक चीज पे काम करो, आप कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट में लाइफ में काम कर रहे हो, आपको उस सिस्टम पे उस चीज पे आपको बिलीव होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको कोऑपरेट करेंगे। तो आपका मान लीजिए आप किसी भी चीज पे काम कर रहे हो, क्योंकि मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम जो सिखाते हैं वो पूरा प्राइस बिहेवियर है, पूरा प्राइस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो उस सिस्टम पे हम बिलीव करते हैं तभी तो पैसा बनाएंगे, बिलीव ही नहीं करेंगे तो कैसे पैसा बनाएंगे। तो जो भी मतलब, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं एक नॉर्मल लाइफ की बात बोल रहा हूँ कि जिसको किसी को आधा आता है, किसी को कम आता है, किसी आप किसी भी चीज पे आता है, इंडिकेटर को छोड़ के इंडिकेटर्स में फॉलो करिए, चाहे आप ट्रेंड लाइंस पे कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज पे कर रहे हो, आप उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कर रहे हो, बट एग्जैक्टली पूरी एजुकेशन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम के नहीं होते, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वन टाइम में सपोर्ट रिएक्ट होगा या रेजिस्टेंस रिएक्ट होगा। बिकॉज जो प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है तो आपके सपोर्ट ही रिएक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस काम नहीं आएंगे। सेम अगर प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है तो आपके रेजिस्टेंस ही रिएक्ट करेंगे, आपके सपोर्ट्स काम नहीं आएंगे जब तक उससे हायर टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट नहीं काम कर जाता। तो ये कंप्लीट बात किसी को पता नहीं होती, इसलिए लोग फंसते हैं। नंबर वन चीज कंप्लीट हो, हम पूरा प्राइस बिहेवियर फॉलो करते हैं कि हम डिमांड भी देखते हैं, सप्लाई भी देखते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, वेव करेक्टिव वेव है या आपका इंपल्सिव रन है या पुल बैक, उस बेसिस पे हम देखते हैं। इतना समझ में आया? उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका नो ट्रेडिंग जोन एंड ट्रेडिंग जोन क्या है। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर ट्रेडिंग के लिए एंट्री किस में करें, बेस्ट जो सुटेबल चीज जो होती है, कहने का मतलब आपको जो एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के आपने 4 आवर में एनालिसिस किया, डेली में किया, 4 आवर में किया, देन आप 15 मिनट्स में ट्रांसफर होगे, क्योंकि इक्विटी में करोगे तो 2 आवर्स आएगा बीच में। क्लियर है? एग्जैक्टली अगर डोर टू डोर करोगे तो 125 मिनट्स आएगा, बिकॉज ऑफ 6 घंटे 15 मिनट इक्विटी मार्केट खुलता है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो हमें क्या होता है कि एग्जैक्टली बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो बेस्ट टाइम फ्रेम है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब ये बात कितने लोग गलत अंडरस्टैंड करेंगे, मैंने बोल दिया कि 15 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ये बात पूरी नहीं है, आधी बात है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट्स में तो हमें क्या देखना है, 15 मिनट्स तक तो एनालिसिस लेकर के जोन निकालना है, ट्रेडिंग थोड़ी करना है। 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई, एंट्री ले ली, थोड़े से नीचे गई, पूरा वापस ला गया, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, बट नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज फॉर फाइनल एनालिसिस, इट इज कंप्लीट फाइनल एनालिसिस फॉर जोन आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? देन आपको उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चार्ट को आप 5 मिनट्स के अंदर फॉलो अप सेलिंग देखना है या फॉलो अप बाइंग देखना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि या तो आपको फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप सेलिंग देखना है। अब बात आती है बेस्ट ट्रेडिंग, क्योंकि ये आपको 5 मिनट में देखना है, तो आपके पास बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं बताता हूँ कि आप बिगनर हो, ठीक है, और आपको रेगुलर बेसिस पे आपको पैसा कमाना है और आपको ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करना है। कहने का मतलब आप नीट एंड क्लीन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, कोई हबड़ तबड़ में नहीं, आराम से अगर काम करना चाहते हो, अदरवाइज भागम भाग रहेगी, जो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या CPU, ठीक है, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, जो आपके पास PC है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए कि आपका i5 मिनिमम हो, ठीक है, i5 प्रोसेसर वाला मिनिमम हो, चाहे जनरेशन पुराना हो, और विद SSD होना चाहिए। क्लियर है? SSD वाला, यस, दो चीजें होगी, i5 SSD, उससे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन का होगा अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आपको उसके लिए आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा, कनेक्टर, कनेक्टर जिससे आप, आपने यहां पे एक लैपटॉप लगाया, ठीक है, आप इस लैपटॉप से आप 2 HDMI पोर्ट से, क्योंकि एक ही HDMI पोर्ट होता है किसी भी एक PC में, एक HDMI कनेक्टर लगाओगे तो एक आपका मॉनिटर मिनिमम 24 इंच का होना चाहिए, क्योंकि 12-13 हजार रुपये में आ जाता है 24 इंच का। ठीक है, आप
27 इंच का रखोगे ज्यादा बेटर है, 24 इंच मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन दूसरा तो यहाँ कनेक्ट होगा नहीं, इसके लिए आपको एक कनेक्टर लगेगा, ठीक है। इस कनेक्टर क्योंकि सी पोर्ट होते हैं आजकल न्यू लैपटॉप में, तो कनेक्टर लगेगा, तो उससे दूसरा आप 24 या फिर 27 इंच का आप क्या लगा सकते हैं, एक मॉनिटर और लगा सकते हैं। तो जो आपके पास यहाँ पे पीसी या लैपटॉप जो भी है, ठीक है, आप इसके इसमें फीचर है कि आप जो जितने भी स्क्रीन है वो इसको स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। आप इसके अंदर आप एनालिसिस कर लिया और 15 मिनट के जोन्स मार्क कर दिए, आपके जोन आए, तो इधर के साइड जो पीसी है, ठीक है, इधर 15 मिनट आपको दिख रहा है, लाइव में दिख रहा है, और इधर के साइड 5 मिनट के अंदर आपको फॉलो अप सेलिंग, अगर आपका प्राइस एज ए रेजिस्टेंस एज ए सप्लाई है तो, या फिर 5 मिनट में एज ए डिमांड एज ए सप्लाई अगर है तो 5 मिनट में आप इस साइड देख लो, तो आपके भागम भाग में जोन आइडेंटिफिकेशन में भागम भाग में ऑर्डर प्लेसिंग नहीं होगा, एक नीट एंड क्लीन तरीके से ऑर्डर होगा। दूसरी चीज, अब आपका ये पीसी तो फ्री है, ये जो आपका पास जो लैपटॉप है ये फ्री है, आपके पास अपने आगे रखो, वो दोनों थोड़ा बैक में रखो, ये आपका फ्री है, तो इस पे आप इस लैपटॉप या पीसी के ऊपर, मतलब सीपीयू सीपीयू नहीं है तो, अगर लैपटॉप है तो इसकी स्क्रीन आपकी फ्री होगी, कहने का मतलब एक लैपटॉप से 3 स्क्रीन चल गई, ठीक है। तो इस पे आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल करके आप ट्रेड कर सकते हो। एक बिगनर के लिए जिसको थोड़ा आता है, एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करना चाहता है, जब जोन में ट्रेडिंग प्राइस आता है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है हर किसी बिगनर के लिए। आप इससे सालों साल काम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ये ट्रेडिंग सेटअप आप हर किसी का आपका होना ही चाहिए। आप कहोगे सर मेरे पास एक लैपटॉप है, उससे काम, आप काम ही चला रहे हो उससे, आप क्या कर रहे हो, काम चला, आप उधर मंथली वीकली डेली आप 4 आवर 15 मिनट बार बार कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उस 15 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट उधर भाग गया, इतने में आपके कोई दूसरा ट्रेड मिल रहा होगा वो छूट गया है ना, दूसरा ट्रेड मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पास 29 इंच का ये मॉनिटर है, तो आप हो सकता है यहाँ पे ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन लेकर के 4 स्क्रिप्ट लगा लो, किसके लगा लो, फोरेक्स में कर सकते हो या इक्विटी कर सकते हो, ये भी हो सकता है। उधर की साइड उन इधर की साइड इस मॉनिटर के अंदर आप उन 4 स्क्रिप्ट के साथ 5 मिनट की 4 स्क्रिप्ट लगा सकते हो, है ना, तो वो भी इजी है। तो आप कह रहे कि मोबाइल लैपटॉप से करेंगे, लैपटॉप से करने के बाद आपने इतने एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट में जाएंगे, फिर ट्रेडिंग अगर आपके पास वही लैपटॉप है, ट्रेडिंग वहीं पे कर रहे हो, या फिर ट्रेडिंग आप मोबाइल पे कर रहे हो, तो वो इजी सेटअप नहीं है, वो आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है एज ए प्रोफेशनल में। क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो ये मेरा बेस्ट सजेशन है कि ऐसा आपको करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी चीजें ना बहुत ही स्मूथ चलेंगी, आपको सब कुछ दिखेगा एक ही चार्ट पे। मैं ये नहीं बोला कि जो नहीं ले सकता वो आज ही ले ले, ठीक है। हाँ, अभी हम ऑफिस बना रहे हैं, अभी मिस 6 मंथ के अंदर बहुत ही बढ़िया एक इंटरनेशनल लेवल का मान सकते हैं, उस लेवल पे हम एक डेवलपमेंट करेंगे। जितने भी मेरे पास मोनिटर है, जितने भी पीसी है, ठीक है, जो भी वीक स्टूडेंट है, फाइनेंशियली वीक है, वो सब मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा, उन सबको, इतना मैं कर सकता हूँ, और तो बाकी आपको खुद ही करना है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम सब कुछ वेट होगा, चेंज होगा। तो अब हमारा सेटअप है, उस सेटअप के जितने भी पार्ट है, बहुत स्क्रीन है हमारे पास, बहुत मोनिटर्स हैं, लैपटॉप भी है, लेटेस्ट जनरेशन के ही है, ठीक है, वो सब जो वीक स्टूडेंट है वो मुझे पता लग जाए कौन वीक स्टूडेंट है, कौन फाइनेंशियली वीक है, वो हम उनको गिफ्ट कर देंगे, मतलब हम उनकी हेल्प कर देंगे। वैसे तो हम कोई होते नहीं हेल्प करने वाले, लेकिन अगर आपके लिए यूज हो जाएगा तो ये हमारा सौभाग्य ही है। ये एक मैं बता रहा कि एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप आपका ये होना चाहिए। किसी को कुछ कहना था आप कह सकते हो इस बारे में, मार्च में कर देंगे सबको, मार्च तक बनेगा। इतना कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं करेगा, बस सिखाते हैं लोग, कोई करे या ना करे, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को सोच के करना या ना करना, ठीक है, हर की एक इंडिविजुअल अप्रोच होती है, इंडिविजुअल सोच होती है, हर किसी की सोल अलग होती है, किसी का सोचने का नजरिया होता है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, कहने का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव तो कर ज्यादा ही करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपकी लाइफ को बहुत कम लोग अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाता हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ सीखता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी कनेक्टेड मीन्स लोग हैं मेरी लाइफ में, वो आप लोगों में से ही है, मतलब आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मतलब कोई फैमिली नहीं है, देखा जाए तो गिनती के 2-4 लोग हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो आप लोग ही मेरी फैमिली हो, तो जो कहूंगा, जो सच है, जो गलत, अगर आपको गलत लगे जो भी, वो आपसे ही कहूंगा मैं, क्योंकि उतना कनेक्शन बिल्डअप किया है, नहीं तो क्या जरूरत है। मेटेरियलिस्टिक चीजें है नहीं मेरी लाइफ, मैं सोचता भी नहीं हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं। एंड ऑफ द डे मान लीजिए इतना कमा के मैं 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लूंगा, ठीक है, मैं क्या क्या करेंगे इस चीज का, क्या करेंगे,
अगर तो क्वालिटी वाले पर्सन ही लाइफ में नहीं है जिसको आप चाहते हो सबसे ज्यादा, क्या सिंपल है ना, वो घुमा फिरा के पता नहीं क्यों मैं आजकल इन्हीं सब बातों पे आ जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं सर बेस्ट है, नहीं नहीं लोगों के ठीक अच्छे विशेष अपने दुआएं साथ रहेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। हाँ थैंक यू सर, क्योंकि थैंक यू सर, यही एक पॉजिटिव की जिसकी वजह से लाइफ में हम कनेक्ट होते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, हमेशा रखेंगे ये चीज़। और ये मेरे नेचर में, मैं करता नहीं हूँ, मेरे से अपने आप होता है नेचर में, और उसमें से आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहिए। भारत मेरे साथ आ गया, नंदू भी आ गया, आप और भी बहुत सारे आ गए, कितना मैं तो मेरे को खुश होना चाहिए, कितनी खुशी की बात है। आप सर नारियल जैसा सर फल है सर, एक पवित्र फल है सर, ऊपर का बहुत कड़क और भीतर से सर एकदम अंदर में खूबसूरत है सर, सर क्या बोलूं सर आपको। देखो क्या होता ना कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजों को क्या करोगे, कुछ करना नहीं है ना एंड ऑफ द डे। आप ये देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जी ने, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो अराउंड कितना 50,000 करोड़ से तो ज्यादा कमाया होगा उन्होंने, आज वो नहीं है इस दुनिया में। हाँ, नहीं है ना, आप वो चीज समझिए कि एंड ऑफ द डे सबको तो मरना ही है ना। हाँ, सर, हाँ, अमर तो कोई नहीं रहने वाला, ठीक है। हाँ, तो आप गलत करके और ये मेटेरियलिस्टिक चीजों करके आपने क्या क्या गेन कर लोगे, वो चीजें तो यही रह जाना, वापस इक्वल जो हो जानी है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी आपका वो बैंक में ही फ्रीज हो जाए, कौन यूज करेगा उसको। आप खुद ही अपनी लाइफ में वो सब चीजें अगर पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं कर पाए तो बाकी चीजें तो फिर बाद में होता है, आज है कल कल किसका भरोसा है, कुछ है नहीं ना। गारंटी तो किसी की भी नहीं ले सकते, अपने आप की नहीं ले सकते, बस अच्छा तो सोच ही सकते हैं यार, बड़ा सोच है सर आपका। ये सब चीज बड़ा नहीं है, नेचुरल है, मतलब ये डे वन से ऐसा कुछ रिसेंटली अभी अभी आया है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली इंसान के पास जब पैसा आता है ना तो वो जमीन पे नहीं रहता है, ठीक है। यस सर, वो उन सोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है जिनकी उन्हें रियली में जरूरत होती है। तो ये थोड़ा सा टफ काम होता है कि आपके पास अच्छा पैसा आने के बाद आप जमीन पे रहो, ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया, रहना सीख लिया ना, तो आपको जो फाइनेंस आपके पास पैसा हुआ आपको कितना बैक करेगा, ये भी एक पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि आप उसका सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। तो आपका आप अपना ट्रेडिंग सेटअप आराम से बना लीजिए, इसे भागम भागनी मत रहिए। एक अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, जो बिल्कुल वीक है उनके तो खैर मैं हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर कैपेबल है, फाइनेंशियल कैपेबल है, आपके पास चीजें हैं, तो आप अपनी चीजें मैनेज करिए। एटलीस्ट हर किसी को मैनेज करना चाहिए, और एक ट्रेडिंग सिस्टम में आपको आराम से बैठ के, क्योंकि ये सबसे एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको मैं पूरा सिखा रहा हूँ। आपके पास 7 डेज के अंदर जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, 5 डेज के अंदर ट्रेडिंग होती है, भागम भाग में करना नहीं है। आपके पास अपनी लाइफ के 2 दिन है, कहने का मतलब महीने के अंदर 8 से 10 दिन आपके पास ऐसा है जिसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, कहने का मतलब आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। जैसे मेरे को देखो, मैं क्लास नहीं करता, मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ हर बैच के बाद, मैं इतना थक जाता हूँ, मुझे अपने लिए पर्सनली टाइम चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बाकी फिर बाद में एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी तभी आएगी जब थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि उसके बाद बोलते भी हैं, सब चीजें करते हैं। तो आपके पास जो 8 से 10 दिन है, उस 8 से 10 दिन में क्या कर सकते हो, 8 से 10 दिन में आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ से जो कनेक्टेड है उनके साथ, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, बाकी कुछ और काम करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, उन सब चीजों में बिता सकते हो। ट्रेडिंग इतना मुश्किल नहीं है, उन 5 दिन को डेडिकेशन के साथ दीजिए, कहने का मतलब जबरदस्ती मत जाइए ट्रेड सेटअप के साथ, जबरदस्ती मतलब अगर आपको इस ट्रेडिंग जोन में ट्रेड मिलता है तो वहां तक का वेट करिए। आप वेट करेंगे ना और आपका डेडिकेशन है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिकली लाइफ में भी सीखा है और आपका फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का एक ही रूल है कि आपके अंदर पेशेंस चाहिए, कहां तक का, उस जोन तक का। तो आप डेडिकेशन से प्राइस को वहां तक आने के लिए टाइम तो दीजिए एटलीस्ट, किसी को भी एटलीस्ट टाइम तो देना पड़ेगा ना, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
टाइम जब आप यहाँ पे टाइम देंगे तो आपको ट्रेडिंग यहाँ पे जोन में आएगी, प्राइस जोन में आने के बाद प्राइस एक्शन होगा, प्राइस को टाइम करके आप ट्रेड कर पाएंगे। तो आपके पास कहने का मतलब मल्टीपल्स अपॉर्चुनिटी, एक स्क्रिप्ट तो है नहीं कि ऐसा निफ्टी है बैंक निफ्टी। अब कहोगे कोई कहोगे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रहा, तो मैं आपको कैसे ट्रेड बता दूं। अभी मैं पब्लिक ग्रुप में थोड़ा लेट आ गया मैं, बट अगर पहले मैंने देखा होता, अगर ये मैंने देखा होता तो मैं आपको ट्रेड बता रहा होता, अगर ये देखा होता तो मैंने ये निफ्टी का सेल का ट्रेड बता दिया होता। लेकिन अब प्राइस निकल गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बताने का फायदा क्या है, पैसा ही जाना है ना। सही है सर। तो आप, आपके पास जो 5 दिन है, उस 5 दिन के अंदर आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट कैसे रहोगे, जब आपकी करेक्ट एजुकेशन हुई है, एजुकेशन के बाद आपने प्रैक्टिस करी, दो दो क्वांटिटी प्रैक्टिस करी, उसके प्रैक्टिस करने के बाद आपने चार्ट पे सब कुछ समझा, उसको समझने के बाद आपने प्राइस आने दिया, वहां पे आने देने के बाद प्राइस टाइम करके ट्रेड करो, तो उस 5 दिन के अंदर आपने किया क्या, आपने क्वालिटी ट्रेड सेटअप लिए, आपने क्वालिटी ट्रेड सेट मींस आप अपनी फैमिली के साथ भी हो, तो चाहे आप अपना दूसरा काम करो, आप उनके साथ 1 घंटा टाइम बिता रहे हो, ठीक है, या किसी और के साथ भी, तो चाहे 1 दिन बिता रहे हो, तो वो क्वालिटी होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए वहां के लिए, फिर चीजें रिस्पेक्ट करेंगे ना आपको। आपका डेडिकेशन ऊपर वाला भी तो समझता है यार कि आपका डेडिकेशन क्या, वो कर नियत में खोट होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, नियत में खोट नहीं होना चाहिए, नियत सही होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में आप अचीव कर ही ना सको। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपकी डेडिकेशन है और बिल्कुल आप मतलब चाहते हो कि आपको ये काम आपका हो ही जाए, फंड में गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, ये आपका कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन आपका डेडिकेशन चाहिए। यस सर, मैं इसको कनेक्ट करके आपको बोल रहा हूँ, लाइफ से कनेक्ट करके भी बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है तो लाइफ से जुड़ा हुई ना, फाइनेंशियल मार्केट भी, फाइनेंशियल मार्केट को भी तो इंसान ही चलाते हैं, तो उनका बिहेवियर मार्केट के बिहेवियर से अलग कैसे हो सकता है। सर, नियत में खोट का मतलब समझ में नहीं आया, किस किस टाइप इन्होंने अब बोल, अब मैं कैसे समझा इस बात का, उसका मतलब 15 मिनट कहने का मतलब बुरे कोई भी काम करते तो मैं थोड़ा नहीं क्या होगा, मैं लाइफ को कनेक्ट करके फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करने लग गया, कहने को नियत पे कोड, नियत पे कोड समझ में आ जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, ठीक है, सामने वाले को तुम करके तो देखो ना, पता लग जाएगा, टाइम नहीं लगता, हमारा माइंड इतना शार्प है ना आजकल, जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल मार्केट में आप करके तो देखो, नियत में खोट का मतलब अगर बिना जोन के आप ट्रेडिंग करके तो देखो, अभी लेके देखो भाई का ट्रेड, थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको, लेके तो देखो। ओके ओके, मुझे लगा कि मतलब पैसा कमा के कोई गलत काम करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा मैंने बोला ही नहीं यार कुछ भी। मैंने तो ये बोला है, कहने का मतलब प्राइस जोन पे एक जोन में ट्रेड होता है। मैं सच बोल रहा हूँ कि जब ये क्लासेस मैं ऐसी बात करता हूँ, सब चीजें क्लास करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ ना, वो डालता हूँ, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर क्या पढ़ाते हो आप, क्या बात करते हो। सर सही है ना, इतने महीने से सालों से जुड़े हुए yes, सर, मर... यही तो चीज है ना, पैसे की बात है कि फ्यूचर में हम लोग पैसे कमाएंगे, अभी उसको मेंटेन और वो दिमाग में नहीं जाना, ये चीज आप अभी बता रहे हो, ये तो पैसा आ जाएंगे अचानक से और तुम बुरे आदतें लग जाएंगे तो क्या है। पैसे को दिमाग में नहीं चढ़ाना। हाँ वही, पैसा आप पैसे से नहीं हो, आज के दिन अगर मैं हूं तो मैं पैसे से नहीं हूं, मैंने जीरो से शुरू किया था, पैसा मुझसे है, मैं आज चाहूं और ज्यादा कमा सकता हूं, मैं ना चाहूं मैं ना कमा नहीं कमाऊं, पैसा मुझसे, मैं पैसे से नहीं हूं, लेकिन मुझसे जुड़ी हुई चीजें जो है ना, जो मुझसे पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है, जो कनेक्टिविटी है, जो पॉजिटिव इंसान मेरी लाइफ में, मैं उनकी वजह से हूँ सर, और उनका मैं वैसे ग्रेटफुल हूँ, आपको भी यही होना चाहिए। नहीं सर, आपको जो दिल से जो सर आप फीलिंग्स का बात कर रहे हैं ना सर, उसमें सर हम सब लोगों को अच्छा ट्रेडर बनने के तो बाद वो तो अलग है, वो तो होएगा ही, लेकिन सर अच्छा आदमी भी बनने के लिए सर बहुत मोटिवेशन देता है सर जिंदगी में, बहुत कुछ बात करता हूँ, कोई स्पेशल बात तो कह भी नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ नॉर्मल रहो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं बोलने की बात भी नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ आप बस जमीन पे रहो, थोड़ा नॉर्मल रहो यार। Yes, sir, yes. मतलब आप ऐसे ऐसे रहो ना कि आप किसी के साथ भी बैठ सकते हो, आपके लिए इंसान तो इक्वल है ना, ह्यूमन तो ह्यूमन है,
चाहे उसके पास पैसा है या ना है, उससे कास्ट का, रिलीजन का, उससे आपका उससे उसके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण जी के दोस्त है ना सुदामा, उन्होंने कभी भी उनका अपमान किया नहीं? नहीं सर, दोस्त दोस्ती थे ना। तो आप ऐसे बनो ना कि आप किसी के साथ उठ सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, ताकि हम आप हर आपको आप ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, डेस्टिनी आपको लाके दे देगी, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका अप्रोच वैसा है। मैंने नहीं सोचा कि इतने जितने आप लोग सालों से कनेक्टेड है, कुछ स्टूडेंट्स मतलब इतने कनेक्ट हो, कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे आ जाएंगे, मैं उससे इतना कनेक्ट हो जाऊंगा, डेस्टिनी है ना। मैंने थोड़ी सोचा ये सब चीजें, थॉट प्रोसेस था, तो वो अट्रैक्शन वो अपने आप हुआ ना सर हम लोगों के लिए। सर जी को देखें, एक जयेंद्र जी ने तो उस दिन एक कविता भी लिखी थी, क्या पता नहीं क्या लिखा था, अभी मैं भूल भाल गया। आपने लिखी, किसने लिखी थी? नहीं, लिखी थी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इतने टाइम से जयेंद्र जी को एक साल से ज्यादा हो गया, ठीक है, नवीन कुमार जी, नवीन जी, हाँ देखो नवीन जी को मैं क्यों भूल जाता हूँ बार बार। अब नवीन जी का बहुत कम नाम आता है ना, आज मैं नाम ले रहा हूँ, आपको पता भी नवीन जी कितने था, कितने टाइम से पिछले, नवीन जी कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने से ज्यादा हो गया सर। नहीं नहीं, मुझे लगता है 1 साल हो गया। नहीं सर, जनवरी का बैच में ज्वाइन किया, जनवरी 19 बैच। अच्छा, जनवरी 19 बैच, ठीक है। तो आप देखिए, 6 महीने होगा, 1 साल हो गया, मेरी एज के बराबर के भी है जो स्टूडेंट है, जो मुझसे 10 साल छोटे हैं वो भी है, ठीक है, ये मतलब मेरी एज के, मेरे को 50 साल का नहीं, मैं आपको सबको बता दूं, ठीक है। और मेरे ऐसे मतलब बड़े भी हैं, मेरे फादर के एज के भी हैं, तो कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये, सब लोग हैं, मेंस वुमेंस गर्ल्स बॉय सब है ना। तो ये तो पूरी लाइफ भर मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके ये तो मेरा ना क्या हो गया, जो पढ़ाने वाला है ना ये, ठीक है, ये एक लाइफ में ऐसा हो गया, एक थॉट प्रोसेस कनेक्शन ऐसा हो गया, पैसा मिले ना मिले, पैसा आए ना, लेकिन ये मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे कनेक्शन हो गया ना, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। यस सर, यस, है ना। हाँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ पढ़ाने को, मैं कोई हजारों करोड़ कमाने के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जी सर, नाइस सर। और एक बात और भी है कि आप इतने साल में मार्केट में हो, आपका एक्सपीरियंस भी इतना है कि हम एक्सपीरियंस से इतना सीख रहे हैं कि जो चीजें नॉर्मली दिख रही है। हाँ, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ कि हर एक पर्सनल लाइफ को मैं क्यों फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि उतना मैं फील करके रखा हूँ ना, उतना नॉलेज है, इसलिए तो कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं तो दूसरे बंदे से पढ़ लीजिए, वो सीधा सीधा फाइनेंशियल मार्केट ही समझा दे, वही बहुत बड़ी बात है। वो इतना डीपली जाके लाइफ को कनेक्ट कर दे, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको इसलिए तो आप लोग इजीली सीख जाते हो अभी, इतनी माउथ टू माउथ, क्योंकि हमें किसी भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी हो रही, लोग रिकमेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ को कहता है कि आप उनकी क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है, कहते हैं भाई भाई एक दूसरे भाई कहता है, फ्रेंड रिकमेंड करता है, आप इसके वीडियो देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। यस सर, क्या है? बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल सर। मुझे ऐसे 10 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जिससे मैं कनेक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसे 20-25-30 हजार में खुश हूँ जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। लव यू सर, लव यू सर। हमारा सौभाग्य है सर, की सौभाग्य है सर, मेरे को भी रिकमेंड गुरु मिला नहीं सर, सिर्फ सर पार्थ है, सोखा मिला है, कलि युग में जो कृष्ण आए उसी का रूप है सर। एक नहीं, कुछ नहीं चाहिए यार, इतना मैं इतना खुश हूँ लाइफ में, सब कुछ तो कर लिया, सब पा लिया, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी सब चीजें हैं, मिलते जुलते रहेंगे, खुश रहेंगे, क्या चाहिए, तो कुछ चाहिए नहीं ना। भारत देखो, भारत का मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत मेरे साथ रहता है और पूरी लाइफ साथ में रहेगा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। कहाँ था जब मैंने कोरोना पीरियड में फ्री में सिखाया था, ठीक है, उस टाइम का स्टूडेंट है भारत मेरा, दूर से मुझे इतना इतना प्यार करता है, ठीक है। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसकी एक बात बताता हूँ मैं, मेरे को एक बड़ी पेमेंट करनी थी कहीं पे, जस्ट मैंने ऐसे बोला था, इसको कुछ पता नहीं, कह रहा है सर 10 हजार में भेजूं, क्या भारत ने मुझे बोला सर मैं 10 हजार, इसकी मुझे वो वाली बात याद है, ठीक है, कि 10 हजार में आपको भेजूं, भारत ने मुझे ये वाली बात बोली, एक मेरे को बड़ी पेमेंट करनी थी कहीं पे, ठीक है। तो मैं कुछ भी पर्सनल बात भी होती है आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो भारत ने मुझे ये बोला कि सर 10 हजार में भेज रहा हूं आपको, आपकी हेल्प हो जाएगी, yes।
मतलब इतना प्यार है। जब हम यहाँ मुंबई वाला टूर किया था बाई रोड, ठीक है, तो उज्जैन से मिला था, पूरे मुंबई टूर में हमारे साथ था, उसके साथ बाद में हमारे साथ ही रहने लग गया था, मतलब कनेक्शन हो गया, इतना प्यार हो गया। ये कहाँ गुजरात में जूनागढ़ का रहने वाला, मैं कहाँ रहता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग कौन कहाँ से है, क्या मतलब है, कुछ होता है क्या ऐसे? आप चार लोगों को अपने साथ रख के दिखा दो। तो उसके बाद भारत मेरे साथ रहने लगे। भारत की ट्रेडिंग से फर्स्ट इनकम जो 2000 थी, वो 2000 जब मैं सो रहा था, वो मेरे तकिए के नीचे रख के सो गया था घर, और उस पैसे को मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ। वही तो कमाई है, वही तो अच्छी है ना। और अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही जुड़ते हैं सर, नहीं तो जुड़ ही नहीं पाएगा, कोई रह ही नहीं पाएगा हमारे साथ, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस एग्री नहीं होगा कभी भी, है ना। तो ये पर्सनल चीजें बहुत होगी, हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे काम तो चार्ट ही आएगा। ये सब चीजें तो ज्यादा बताएंगे फिर, है ना। राकेश भाई, राकेश विश्वकर्मा जी सर, ऑफिस आपको ही बनाना है, आपको ही करना है, कर देंगे सर। यही बातें मोटिवेट करती है। हां सर, अभी सर, लेकिन सभी को शब्द नहीं, क्या बोलेंगे सर आपके लिए, कुछ शब्द नहीं, शब्द वाले क्या जोर, फील करो तो मेरे से ज्यादा तो कोई फील कर ही नहीं सकता। क्या बोलूं, मानो सर शब्द नहीं है बोलने के लिए। नहीं, मुझे तो बस प्यार से इस दुनिया में कुछ से नहीं चाहिए, सब कुछ ऊपर वाले ने दे रखा है, कनेक्ट रहो बस, प्यार से रहो, कुछ नहीं चाहिए यार लाइफ में, सब कुछ। मैं तो सर इतना ही कहूंगा सर, चरण स्पर्श आपके, रेफरेंस तो ऊपर वाले के करो, हम तो भाई हैं एक दूसरे के, नहीं सर गुरु भाई समझ सकते हो, दोस्त समझ सकते हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बड़ी हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए, पहले गुरु की पूजा करेंगे तभी भगवान खुश होंगे। हाँ गौरव जी है, गौरव जी सुबह नहीं थे, गौरव जी खुश हो जाएंगे शायद इस मंथ के एंड तक मैं उज्जैन जाऊं। गौरव जी नहीं है तो मुझे कुछ महाकाल जाना है, तो शायद उज्जैन पॉसिबल होगा तो शायद मैं मिलूंगा मंथ के एंड में बिल्कुल, क्योंकि 15 दिन का गैप हो जाएगा ना अभी मंथ के एंड में, मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद बताऊंगा। सर इंदौर से राहुल जैन बात कर रहा हूँ सर। इंदौर नहीं है, मैं उज्जैन आऊंगा, उज्जैन में सबको मिलना पड़ेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे उस सब चीजों के लिए मेरी टीम से सब लोगों से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। कलकत्ता कीजिए सर, क्योंकि अभी क्या है कि मेरी टीम जो वो फैमिली होगी, अब सारे डिसीजन तो वो ही लेगी ना सब चीजें, क्या करना क्या नहीं करना, सब जगह हो गया सर, कलकत्ता नहीं हुआ है सर अभी। कलकत्ता हुआ, कौन कर रहा है कलकत्ता में, वो तो सब तो सर ज्वाइन नहीं किया था। हाँ सर, उज्जैन से इंदौर बहुत नजदीक है, कुछ ज्यादा फसला नहीं, 1-1.5 घंटे। वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाई रोड, मुझे पता है बाई रोड आया था, तो मुझे उधर आपका ग्वालियर से गुना से आपका उज्जैन, ये सब पूरा रूट पता मुझे। कोशिश करना सर, हो सकते हैं मतलब इंदौर भी चक्कर लगा लेना। करेंगे कुछ ना कुछ, सबसे ऐसा कोई नहीं रहेगा दुनिया के किसी भी कोने में हो कि इस लाइफ में एटलीस्ट मुझसे ना मिलो, ऐसा कोई नहीं बचेगा जो मेरे साथ है, वो मुझसे मिल पाएगा, चाहे वो कहीं भी रहे, मैं आ जाऊंगा। आप नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके मिलने के लिए, मेरे लिए आपके, मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, आप सब लोगों के लिए टाइम ही टाइम है, बाकी किसी के लिए नहीं, जो मुझसे कनेक्ट है ना उसके लिए मेरा टाइम सिर्फ उसी के लिए, उसके लिए पूरा टाइम है सर। चार्ल्स लेटर मेरा क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। जैसे सिप्ला का चार्ट है ना, सिप्ला, हाँ, उसमें मंथली वीकली डेली में आप